विराट कोहली और वो 90 मिनट, जी हाँ वो 90 मिनट्स, वो 90 मिनट आखिर क्या थे जिसकी चर्चा विराट कोहली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। और बड़ी बात ये है कि ये 90 मिनट ही ये डिसाइड कर गए कि ओडीआई के कप्तान विराट नहीं रोहित शर्मा होने वाले हैं। जी हाँ, विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी ओडीआई कप्तानी 2023 तक के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने T20 कप्तानी जब छोड़ी थी तो उसको बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट के रूप में लिया गया, यानी कि उसका स्वागत किया गया, लेकिन उसके बाद से किसी ने मेरे से बातचीत तक नहीं की एक बार भी, और किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि T20 कप्तानी आप मत छोड़िए, और मुझसे सीधे बातचीत की गई है 8 दिसंबर को, और वो भी तब जब डेढ़ घंटे पहले बाद जो है सिलेक्शन कमिटी ने अपना निर्णय सुनाया था, यानी कि जब टीम चुनी गई थी अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान किया गया उसी से ठीक डेढ़ घंटे पहले यानी कि 90 मिनट पहले विराट कोहली को फोन कॉल आता है और उसमें यह सूचना दी जाती है कि देखिए आप अब हमारे ओडीआई कप्तान नहीं हैं, रोहित शर्मा लीड करेंगे टीम को। और उसी के बाद यह खबर आई कि टेस्ट टीम के ऐलान के साथ ही बता दिया गया कि रोहित शर्मा अब परमानेंटली T20 और ओडीआई दोनों में भारत की सेवा करते नजर आएंगे। आपका क्या सोचना है इस 90 मिनट के बारे में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।